हम सब कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? हिंसुक। कौन सा चैप्टर है? हिंसुक। कौन सा चैप्टर है? हिंसुक। हिंसुक कथा। बहुत समय पहले अवध में एक राजा राज करता था। अवध एक राज्य का नाम। अवध किसका नाम है? राज। और उस राज्य में राजा क्या करते थे? राज करते थे। कहता है उस राजा के पास 3 गो बेटा था। कितने बेटे थे? 3 बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान और गुणी भी थे। यानी उसका 3 लड़का पढ़ा लिखा भी था, विद्वान भी थे, बहुत गुणवान भी था। इसमें किसी की कोई कमी नहीं है। वो कर कौन था? राजा के बेटा। कहता एक दिन राजा ने अपने 3 राजकुमारों को परीक्षा लेने के लिए बुलाया। आप बताइए, राजा है तो राजा को तो किसी न किसी को तो राज देना पड़ेगा। या बड़ा बेटा को दो, छोटा बेटा को दो, या बिचला को दो, केकरो न केकरो तो देना पड़ेगा। उत्तराधिकारी बनावे के पड़ते। लेकिन उत्तराधिकारी बनाने से पहले तो उसको हम उत्तराधिकारी बनाएंगे जो उत्तराधिकारी के लायक होगा, न तो ऐसा आदमी को बना देंगे पता चला कल होकर के पूरा राज्य पे चले, है कि नहीं, या राज्य में अराजकता फैला दे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए वो क्या किया? अपने 3 बेटा का परीक्षा लिया। क्या लिया? परीक्षा लिया नहीं, अभी लेने के लिए बुलाया। परीक्षा लेने के लिए क्या किया? बुलाया। वह जानना चाहता था कि किसी दोषी को सजा देने के मामले में उन 3 की क्या विचार है। कहा कि चलो एक कोई ना कोई समस्या इसके सामने रख देते हैं, अगर समस्या सामने रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो निर्णय देगा। अब देखेंगे 3 आदमी कैसे कैसे सोचती है। कहता मान लो उसने कहा, अगर मैं अपने जीवन और सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी किसी को सौंप दूं और वह विश्वासघाती निकले तो उसे सजा दी जानी चाहिए कि नहीं। आप बताइए, अगर हम किसी को सौंप देंगे अनजाने में, हम इतना बड़ा राज लिए हैं, हम किसी को अनजान में सौंप देंगे, मान के चलो हम ही पढ़ा रहे हैं, अगर यहाँ पर हम किसी को छोड़ कर चले जाएंगे, कोई ऐसा मास्टर निकल गए कि छुट्टिए कर देगा, कुछ गलतें पढ़ा देगा, तो ऐसे आदमी को सोच समझ के रखा जाता है जो अच्छा से चला सके। तो वह भी सोचा कि अगर राज को कोई ऐसा राजा दे जो राज के साथ विश्वासघाती ना। सबसे बड़े लड़के ने कहा कि मान के चलो अपने राज्य के प्रति कोई गलत करता है, अपन देश विरोधी है, तो देश विरोधी को क्या सजा मिलना चाहिए। बड़ा लड़का ने कहा ऐसे आदमी को गर्दन फौरन धड़ से अलग कर देनी चाहिए। यानी जो देश के विरोधी होगा, राज के विरोधी होगा, उसे तुरंत क्या करेंगे? धड़ से गर्दन काट करके अलग कर दें, यानी वो देश में रहने लायक नहीं। दूसरे लड़का से पूछा जो मझिला था उसका, दूसरा ने कहा मेरा भी यही विचार, यानी जो पहला वाला बोला था यहो कहा कि हमारा विचार वही है, ऐसे आदमी को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए, उसके साथ किसी तरह का दया नहीं दिखानी चाहिए। तीसरा लड़का चुपचाप बैठा था, जिसको सबसे छोटका बेटा था। कहता क्या बात है मेरे बेटे? राजा पूछा छोटका से। अब यहां पर कहता क्या बात है? राजा ने उसे पूछा तुम कुछ नहीं बोले, तुम्हारा क्या विचार है? अब दोनों तो जवाब दे दिया, अब दोनों के एक ही रंग के जवाब दे, तो राजा को हम क्या बना देंगे, तो तेरे तीसरे को तो जवाब देकर दिखाओ। कदम महाराज, छोटे राजकुमार कहा यह सच है कि ऐसे कसूर की सजा मौत के सिवा और कुछ नहीं। यानी ऐसी गलती करेगा तो उसको क्या सजा मिलना चाहिए? मौत। क्या मिलना चाहिए? मौत की सजा मिलना चाहिए। लेकिन क्या बोला? सजा देने से पहले यह बात साफ साफ और पूरी तरह से साबित हो जानी चाहिए कि सचमुच में वह दोषी है कि अगर मान के चलो वह निर्दोष निकला, तो कोई गलत करवे न किया है, कोई फंसा देगा गलत में, अगर उसको डायरेक्ट हम खत्म करवा देंगे तो क्या होगा? दिक्कत होगी। यानी तुम्हारे विचार से ऐसा न किया गया तो निर्दोष आदमी भी मारा जा सकता है। यानी कि झूठों को कोई कह देगा कि गलत किया है तो उसको मार देंगे हम, है ना? तो ऐसे आदमी को सोच समझ करके देना चाहिए सजा, मृत्यु है दंड, लेकिन क्या? सोच करके, समझ कर। कहता हाँ, राजकुमार ने जवाब दिया ऐसा हो सकता है,
उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटका देखो, एक कहानी सुनाने जा रहा है अपने पिताजी को, यानी पिताजी तो अलग है, राजा को। कहता है कि विदर्भ देश के राजा के पास एक अनोखा तोता था। अब एक कहानी सुनाने जा रहा है राजकुमार अपने पापा को कि देखिए पापा जी कैसे मैं वो कहानी सुना रहे हैं। कहता है विदर्भ देश के पास, विदर्भ देश के जो राजा था उस राजा के पास क्या था, एक अनोखा तोता था। उस तोता का नाम था हिमसुक। क्या था? हिमसुक। और ये सारे कहानी आपको हिमसुक के इर्द गिर्द में दौड़ती है। वह महल में पालतू पक्षी की तरह रहता, यानी तोता जो है राजमहल में रहते और उसको पाला पोसा जाता। हिमसुक बड़ा चतुर था और वह कई भाषाओं में बात भी कर सकते थे। हिमसुक जो था वह कई भाषा में बात भी करते थे और बहुत चतुर भी निकले और बुद्धिमान इतना था कि अक्सर राजा भी महत्वपूर्ण मामलों में उसकी राय लिया करते थे, यानी राजा भी उससे राय लेते थे, पूछते थे कि ऐसी बात होगी कि नहीं होगा, हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, ये सारी चीज़ की जानकारी उससे लेते थे। ट्राई कर कुछ गुनगुना रहा। कहता है कि हिमसुक पिंजरे में ही नहीं रहता था, वह अपनी इच्छा के अनुसार आज़ादी से घूमता था, यानी इस तोता को कोई पिंजरा में नहीं रखते थे राजा, पूरा फ्री छोड़ कर रहते, खुला। एक दिन सवेरे वह महल से उड़ करके जंगल की ओर चला गया। महल में से जो था ना तोता, वह उड़ करके कहाँ चला गया? जंगल। वहाँ संयोग से उसकी भेंट अपने पिता से हो गया, यानी तोता के जो पिता था ओकरा से ओकरा भेंट हो गया। कहा तुमसे मिलकर मैं कितना प्रसन्न हुआ हूँ, उसके पिता ने कहा, यानी हिमसुक के देख रहा ओकरा बहुत दिन हो गया था और उसको देखा तो उसको बहुत खुशी हुई। तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतनी ही प्रसन्न होगी, क्या तुम दो चार दिन के लिए घर नहीं आ सकते? दो चार दिन के लिए घर चलो। कहता है घर आने की तो मुझे भी बड़ी इच्छा थी, हिमसुक बोला। हिमसुक ने कहा मगर इसके लिए मुझे राजा से अनुमति लेना होगा, यानी ऑर्डर लेंगे, राजा से पूछेंगे कि मुझे घर जाना है, अगर जाने देगा तो अच्छी बात है, शुक्रिया, आसानी से हम चले जाएंगे। वह हिमसुक वापस आया महल में और राजा से घर जाने की आज्ञा मांगी, ताकि राजा साहब मुझे कहाँ जाना है, घर। अब घर जाने की तो आज्ञा मांग ली। शुरू में तो राजा उसे जाने देने के लिए राजी ही नहीं हुआ, ताकि नहीं जाने देंगे। वह हिमसुक को बहुत मानता था, अपने से अलग नहीं करना चाहते, पर अंत में वह मान गया, उसने हिमसुक को घर जाने की अनुमति दे ही दी, ताकि जाओ तुरंत जल्दी लौट के चले, ज़्यादा लेट नहीं लगे। अब तुम घर जाकर अपने माँ बाप के साथ कुछ दिन बिता सकते हो, राजा ने हिमसुक से कहा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम रिटर्न आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे भी नाकाम को चलने वाला नहीं है। कहा बहुत अच्छा महाराज, हिमसुक ने कहा, मैं 15 दिन के बाद वापस आ जाऊँगा, यानी 15 दिन के लिए अपने घर जा रहा हूँ। इसके बाद हिमसुक अपने पिता के पास गया और वह दोनों साथ साथ उड़ते उड़ते घर की ओर अपना क्या हो गए, रवाना हो गए। इतने वर्ष के बाद अपने प्यारे बेटे हिमसुक को देखकर उसकी माँ भी बहुत खुश हो गई। एक पखवाड़े तक अपने माँ बाप के साथ रहने के बाद हिमसुक ने उसने उनसे कहा, मेरे ये दिन अपने प्रियजनों के साथ बड़े ही सुख से बीते, मगर अब मुझे जाना होगा, राजा मेरी राह देख रहे। कुछ दिन रहा, रहने के बाद अपनी मम्मी से बोली कि अब बहुत दिन हम तो रहे, अब हमारी राह राजा साहब देखते होंगे कि अब लौटेगा कब। हम राजा के लिए कोई उपहार भिजवाना चाहते हैं, हिमसुक के पिता ने कहा, खाली हाथ लौटेंगे नहीं, आप भी जाते मेहमान के यहाँ तो कुछ न कुछ समय से ले लेते हैं, तो अभी कहा कि कुछ न कुछ हम उपहार देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? उपहार। लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन सी भेजवाए, अब तोता और राजा महाराजा, राजा महाराजा को क्या चीज़ देंगे, सोना चाहिए मिलना चाहिए, लेकिन तोता कहता देंगे तो क्या देंगे पता नहीं। हिमसुक के माता पिता दोनों इस बात पर विचार करने लगे।
राजा को देने के लायक उपहार क्या हो सकता। कुछ देर सोचने के बाद हिमसु के पिता ने कहा, आहा मैं समझ गया, राजा के लिए सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता। यहीं से कुछ दूर पहाड़ पर एगो अमर फल का पेड़ रहता। अमर फल, जो कोई उस फल को खा लेता वह कभी नहीं मरता, वो कहीं मरने वाला नहीं, हमेशा जवान रहता। मैं वहाँ जाकर एक फल तोड़ लाता हूँ और तुम वह फल राजा को दे देना, क्योंकि राजा तोरा इतना मानता है, तो राजा अगर हमेशा जिंदा रहेगा तो सब दिन माना जाएगा। फल मिलते ही हिमसुक राजा के मल की ओर रवाना हो, फल ले लिया और राजा के घर की ओर चल। थोड़ी ही देर में सूरज डूब गया, शाम को जा रहा था और थोड़ी देर में क्या हो गया, सूरज डूब गया। चारों ओर रात का घना अंधकार छा गया। हिमसुक ने पेड़ के किसी डाली पर बैठकर रात काटने का इरादा किया। अब रात में तो उड़ नहीं पाएंगे, इससे अच्छा है कि कोई पेड़ पर बैठ जाते रात भर के लिए और फिर कल सुबह होगा तो उड़ करके चले जाए। मगर इससे पहले वह उस कीमती फल को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहते थे, ताकि अगर हम तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, पहले फल को सुरक्षित रखो कि फल हमें कहाँ रखेंगे से फल का कोई दिक्कत नहीं हो। किस्मत से उसे एक पेड़ में ऐसा पेड़ मिल गया जिसके तने में वो खोखला छेद था, पेड़ में वो छेद था, समझे, क्या कहें, में फल रख देंगे आराम से ऊपर पेड़ पर सो जाएंगे। उसने उस छेद में अमर फल तो रख दिया और पास के वो डाल पर जाकर के बैठ कर सुस्ताने लगा। थोड़े ही देर में उसको नींद भी आ गई, शाम थी वो भी सो गया। पेड़ का वह खोखला छेद में एगो जहरीला सांप का घर था, वो छेद नहीं था, उसमें सांप रहते थे जहरीला। जब सांप लौटकर आया तो उसकी नज़र चमकते हुए अमर फल पर पड़ी, उसका लगा कि कुछ रखा हुआ। उसने सोचा कि शायद कोई खाने का चीज़ है। सांप ने फल पर तुरंत झट से दांते गाड़ दिए, खाने के लिए मुंह लगाया, उसका तो दांत में बिख रहा था, तुरंत फल में दांत लगा दिया। मगर उसे फल का स्वाद अच्छा नहीं लगा, दांत हलाया सांप लेकिन उसका फल नीमन न लगा तो छोड़ दिया। उसने उसे वैसा ही छोड़ दिया, लेकिन जिस समय जब सांप ने दांत गराए उस समय उसके दांत से कुछ जहर निकल कर आया और जहर फल में चला गया और उस जहर के कारण पूरा फल क्या हो गया, जहरीला, पूरा फल अब जहर बन गया। दूसरे दिन सवेरे हिमसुक ने फल उठाया और अपनी यात्रा पर उड़ चला। फिर से फल उठा करके कहाँ चल गए, यात्रा पर चले गए, सिद्धू चले गए। कहता है कि दूसरे दिन वह सवेरे उठा और अपने फल लेकर के चल दिए, राजमहल पहुंच गए। उसने राजा से मुलाकात की और अपने माँ बाप की तरफ से वो फल दे दिया। अपने माँ बाप की तरफ से क्या दे दिया, फल दे दिया। क्या कहा, उसका पता नहीं था कि सांप ने डंक मार के कथी, तो बेचारा सोया हुआ था, ऊपर से उठा सीधे फल लेकर चल गया। कहता है उस जादुई फल को पाकर के राजा बहुत खुश हो गया। उसने फल खाने से पहले एक दरबार करने का निश्चय किया। अब राजा को लगा था अब तो अमर हो जाएंगे, फल खा लेंगे, अमर फल है, इससे पहले क्या करें हम, एगो दरबार लगा ले, दरबार लगा के सबको बताएंगे कि देखो हम ये फल खाने जा रहे हैं, अब आज के बाद हमको ये मरबे ना करेंगे। दरबार में उसके मंत्री और राज परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे, यानी उसका घरों के आदमी सब उपस्थित था और कुछ बाहरी आदमी भी उपस्थित थे और मंत्री सब भी थे। राजा ने सबके सामने फल उठाया पर जैसे ही खाने के लिए तैयार हुआ था उसका मुख्यमंत्री जो था वो टोक दिया। मुख्यमंत्री ने टोक दिया, कहता महाराज जरा ठहरिए, कौन है, आप देखिए क्या कर रहा है। जैसे ही फल खाने के लिए उठाया था मुख्यमंत्री ने उसको रोक दिया, कहता महाराज जरा सुनिए, ठहरिए, बुद्धिमानी की बात तो यह होगी कि फल खाने से पहले किसी जानवर को खिला करके देखना गलत कि वाकई में फल
अमर होगा तो वह जानवर अमर हो जाएगा, अगर खराब होगा तो पहले जानवर के ना प्राण जाएगा, आपका तो नहीं जाएगा। यदि जानवर को कुछ ना हो तो आप इसको खा लीजिए। कहा राजा साहब सुझाव तो बहुत अच्छा है। राजा ने कहा, उसने फल को काटा और एक छोटा सा टुकड़ा कौवा को दे दिया। कौवा ने फल खाया और फल खाते क्या हो गया, मर गया, क्योंकि उस फल में क्या था, जहर था, सांप ने जो डंक मारे थे। कहा महाराज, मंत्री ने कहा, आज आप बाल बाल बचे हैं, फल जहरीला है या अमर फल नहीं, मृत्यु का फल है, इसे आदमी अमर नहीं होते हैं, इसे आदमी मरते हैं। इससे यह भी जाहिर होता है कि फल खिला करके हिमसुक आपको मारना चाहते हैं, यानी फल के बहाने आपको देगा खाने के लिए, आप फल खाइएगा आप मारे जाइएगा, यानी कि हिमसुक के ऊपर गलत आरोप लगा दिया, हिमसुक के ऊपर गलत आरोप लगा दिया। राजा गुस्से में आग बबूला हो गया, ताकि हिमसुक हमको मारने के लिए, तो उसने लपक करके हिमसुक को पकड़ा और बिना सोचा समझे उसको सीधे गर्दन लगा दिया। तू हमारा मारने चला, हमारे राज में रह करके हमारे मारेगा, अब बताइए हिमसुक का कोई दिक्कत था, हिमसुक की कोई गलती थी, नहीं नहीं गलती थी, वो तो बेचारा बाकी में अमर फल लाया था, लेकिन रास्ते में ना जाने उसे क्या हो गया। अब सांपों के बुआ गलती नहीं है, सांप ही समझा खाने वाला चीज़ है, कुछ रखा होगा हम खाने जाते हैं, डंक मारा मुंह लगाया नहीं अच्छा लगा छोड़ दिया, हमें गलती किसी की भी नहीं है, अब वो की जाने के लिए कोई में बीखे चला जाएगा, वो भी अपना खा रहा था। अब यहाँ से बिना सोचे समझे राजा ने हिमसु को क्या कर दिया, गर्दन। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि उस जहरीले फल को किसी नगर के बाहर जाके गड्ढे में दबा दी, ऐसा जगह गाड़ दीजिएगा फल को कि कोई उसको छू नहीं पाए, ना तो जो खाएगा सब मर जाएगा। फल जमीन के अंदर दफना दिया गया, राजा का हुक्म मिला दफना दिया, मगर कुछ ही समय के बाद उस बीज का अंकुरित होकर के बढ़ने लगा, वो पेड़े बन गया और फल रोप ले तो सर करके जन्म ले लिया, बढ़ते 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 वो बड़का को पेड़ बन गया। कुछ समय बाद उस पेड़ में बड़े ही सुंदर फल, चमकने सुनहरे फल लगे और बड़े 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 फल उसमें सुनहरे सुनहरे लगने लगे। जब राजा ने उस विचित्र पेड़ के बारे में सुना तो कहा, वे फल जहरीले, यह मौत के फल। उसने कहा, इसे पेड़ किसका है, जहरीला फल का है, कहो हो सके इसमें फल लटका कोई भी आदमी खाएगा वो तो आवृत जहर होगा मर जाए। राजा ने हुक्म दिया कि पेड़ के चारों ओर एक बार बना दी जाए और हर समय पेड़ की रखवाली करने के लिए रखवाली की जाए, ताकि उन जहरीले फल को कोई ना खा सके, उसके रखवारों लगा दिए कि धोखा से कोई तोड़ ना सके, तो अनजान में कोई देखेगा निमन फल तोड़ेगा खाएगा मर जाएगा, इसीलिए वो रखवाली में लगा दिया। और राजा की भी गलती नहीं, राजा भी अपना सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। कहता है कि मृत्यु के खबर सारे शहर में फैला दी गई, पूरा शहर में बता दिया गया कि एक ऐसा पेड़ है इस जगह नहीं जाएगा, ना कोई खाइएगा ना तो मर जाइए, और सबको बताइए दिया, और जनता को उस पेड़ के पास भटकने से भी डर लगने लगा। उन्हीं दिनों उस शहर में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया भी रहते थे, वह बहुत गरीब थे, उनका कोई मददगार भी नहीं था, यानी उसको कोई हेल्प नहीं करने वाला था, वे किसी भी तरह दूसरे के मेहरबानी पर गुजर भी करते थे, यानी कोई दूसरा आदमी खाना दे देते थे तो कुछ खा पी करके अपना जिंदगी चलाते थे। बुढ़ापे के मारे वे इतने कमजोर और असहाय हो गए थे कि भीख मांगने की भी नहीं जा सकते, यानी चलने में भी उसकी बहुत कठिनाई थी, अक्सर फाके करते रहने से उसको ऐसा महसूस होने लगा कि अब जीना बेकार है, अब भूखे प्यासे बेचारी सो रही थी, लगा कि अब तो मरना ही है, अब ऐसे से कष्ट काट रहे हैं तो बहुत जिंदगी बेकार चला जाएगा। दोनों ने सोचा कि ऐसी जिंदगी के बजाय मर जाना ही अच्छा होगा,
बुढ़वा बुढ़िया दोनों सोचा जिएंगे क्या, इसके अच्छे से मर जाएंगे, क्योंकि आप भीख मांगने में भी असमर्थ हैं। मरने के लिए सबसे अच्छा यही था कि पेड़ का जहरीले फल खा लीजिए, क्योंकि राजा तो घोषणा कर ले है कि फल तो जहरीला है, अगर ये फल खाएंगे तो बाके में मर जाएंगे, क्योंकि तो जहरीला फिर ना है। एक रात बूढ़ा चुपके से गया पेड़ के पास, पहरेदार यानी जो रखवाली कर रहा था उसे क्यों ना बचते 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 वो इसके अंदर घुस गए और उसमें से दो को फल तोड़ लिया, एगो अपना लिए एगो बुढ़िया के लिए, तो दोनों गोटा खाएंगे दोनों मर जाएंगे। अब दो को फल तो तोड़ लिया और उकड़ा लेकर के सीधे कहाँ चला गया, अपने घर। घर में पहुँच कर उसने और उसकी बुढ़िया दोनों ने एको एको वो फल खा लिया, क्या तो मर जाएंगे ना, दोनों गोटा अखन फल खा लिया। इसके बाद वह तुरंत मरने की आशा से बिस्तर पर लेट गया। अब लगा आप मरेंगे तो सूती हो गया डर से, मरने के चक्कर से वो क्या कर लिया, सोई हो गया। लेकिन दूसरे दिन सवेरे रोज की तरह ओकरा फिर से आँख खुल गया, कल सुबह हुआ ओकर आँख खुल गया, बेचारा मरे लगे सुत गए क्या फल खाए मर जाएंगे, आ कल सुबह होकर के देखता है तो ओकर आँख खुल गया। अपने आप को जिंदा पार कर बहुत तजुबा हुआ उसको कि हम तो मरने वाला फल खाए थे, आँख खुला तो भी हम जिंदे हैं, बढ़िया तजुब है। इससे भी बड़ा तजुब यह था कि दोनों जवान हो गया था, सबसे बड़ा तजुब यही है, मारा ही नहीं दोनों जवानों हो गया, उनकी पहले चुस्ती और ताकत फिर से लौट आई, फिर जवानी वाला काम चले। राजा ने यह अनोखी बात सुनी, यह बात गांव में सुनाया गया कि ऐसा ऐसा हम कह लिए तो इन्हें हमारा हो गया, मरे के बजाय पर हम जिंदे हो गए जवान हो गए, है ना। यह बात राजा सुना और उन दिनों दोनों ने देखने गया, सचमुच ही जवान देखकर वह दंग रहा। अब जाकर के उसकी समझ में आया हिमसुख ने जो फल लाया था वह असली अमर फल था, यानी जो फल लाया था वह वाकई में फल था, अमर ही फल था। उसने अपनी जल्दबाजी पर अपने प्यारे तोते को बेकसूर की तरह मार देने से वह अफसोस हुआ। बाद में राजा सोचने लगा कि हम बेकार में मार दिए हिमसुख को, जो का सबसे ज़्यादा प्यारा था, है ना, सिर्फ एक ही गलती के कारण मार दिए बिना सोचे समझे। इसीलिए ऊपर छोटका बेटा सुना रहा था राजा के, समझे बे कौन सा राज था, आपका अवध, अवध राज के जो जतिन को बेटा था सबसे छोटका बेटा सुना रहा था कहानी, कहा कि इसीलिए मैं कहता हूँ, छोटे राजकुमार कहा कि किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पूरा जानकारी ले ले कि अपराधी है कि नहीं, न तो अपराधी जो हिमसुख नहीं था, अनजाने में उसको मार दिया गया, अगर कोई अपराधी नहीं होगा किसी को कह देगा कि यही आदमी गलती किया तो इसको बिना सोचने समझने मार देंगे तो सबसे बड़ी गलती है, यानी मार दीजिए हम मानते हैं, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि वाकई में वो गलती किया है कि नहीं किया। राजा ने अपने तीसरे लड़के के बात सुनकर के बहुत खुश हुआ और उसने अपना युवराज सबसे छोटे लड़का को ही बना दिया। अतः इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली कि किसी के ऊपर अगर कोई सजा लेने का डिसीजन मिले तो सजा डिसीजन लीजिए, लेकिन इससे पहले उसको हम जाने समझे कि वाकई में वह दोषी है कि नहीं। कोई दिक्कत